बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजदा नूर और मैं आपको गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 9 पेशे की मश्क सफ़ा नंबर 67 से शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। इबारत को दुरुस्त तलफ्फुज़ और रवानी से पढ़ना है। किसी काम में अपनी तमाम तर ताकत लगातार सर्फ करने के अमल को मेहनत कहते हैं। हर काम को मुकर्रर वक्त पर पूरी तवज्जो के साथ करने से ही इस काम में निखार पैदा होता है। मेहनत हरकत का दूसरा नाम है और हरकत में बरकत है। मेहनत में ही तंदुरुस्ती का राज पोशीदा है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो मेहनत ही की बदौलत हुई। हमारी अगली सरगर्मी है दर्ज ज़ेल के जुमले बनाकर फ़र्क वाज़ह करें। मैंने आपको पिछले सबक में भी बताया था कि आराब लगाने से लफ्ज़ के मानी बदल जाते हैं। ज़ेर ज़बर और पेश इन निशानियों को अलामात को आराब कहते हैं। इन आराब के लगाने से लफ्ज़ का मानी बदल जाता है। तो आइए देखते हैं जो लफ्ज़ दिए गए हैं वो मुख्तलिफ़ आराब के साथ दिए गए हैं। तो इनको जब हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों लफ्ज़ों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहला हमारा लफ्ज़ है सर। असद के सर पर घने बाल हैं सुर। आप देखें सीन और रे के ऊपर पेश है तो वो बनेगा सुर। सुर का मतलब है गाना। वो गाता तो है मगर उसे सुर ताल का पता नहीं। कल, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। और किल, हर बात में किल किल मत डालो। तल, हादिया पकोड़े तल रही है। और तुल, रुई तुल कर तैयार है, मतलब उसका वजन करने के बाद तैयार है। फिर, अहमद ने फिर कभी इधर का रुख ना किया। फुर, तमाम परिंदे शोर सुनकर फुर से उड़ गए। हमारी अगली सरगर्मी है जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि तज़कीर व तानीस वाज़ह हो जाए। तो बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ कि जब हम मुज़क्कर की बात कर रहे होते हैं तो जो लफ्ज़ उस मुज़क्कर को बयान कर रहा होता है उसके आखिर में अलिफ आता है। मसलन, ये रास्ता लंबा है। और जो लफ्ज़ मुअन्नस को बयान कर रहा होता है उसके आखिर में छोटी ये आता है। मसलन, ये सड़क चौड़ी है। तो आइए देखते हैं इन जुमलों में कि हमने किस तरह से इनको तज़कीर और तानीस के मुताबिक इस्तेमाल करना है। गली, ये गली बहुत चौड़ी है, ये मोनस है। सड़क, ये सड़क किधर जाती है। रास्ता, मरी का रास्ता दुश्वार गुजार है। रेडियो, मेरा रेडियो बहुत पुराना है। बिल्ली, बिल्ली दूध पीती है। चूहा, चूहा पकड़ा गया। मेंढक, मेंढक जोर से उछला। हमारी अगली एक्टिविटी है आओ नया लिखें। आप कच्चे रास्ते से पैदल स्कूल आते हैं, बारिश में कीचड़ की वजह से मुश्किल हो जाती है। आप अपनी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एक दरख्वास्त लिखें कि वो स्कूल आने वाले रास्ते को पुख्ता करवाएं। तो दरख्वास्त का खाका किस तरह से होगा? इस तरह है कि आपने सबसे ऊपर पहले चेयरमैन यूनियन काउंसिल के बारे में लिखना है कि जनाब चेयरमैन यूनियन काउंसिल 154 लाहौर, जनाबे आली, आपसे गुजारिश है या आपसे इल्तमास है कि हमारे इलाके में वाकया स्कूल की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते कच्चे हैं, बारिश की वजह से फिसलन ज़्यादा हो जाती है और बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी पेश आती है। पानी के बायस ज़मीन में खड्डे बन चुके हैं जिसके बायस बच्चे और बूढ़े लोगों के कपड़े गिर कर कीचड़ ज़्यादा हो जाते हैं। बराहे मेहरबानी इस रास्ते को पुख्ता करवा दें, हमें इस दिन रात की मुसीबत से छुटकारा दिलाएं, आपकी अनवाजिश होगी। अल अर्ज़, और नीचे आपने अपना नाम नहीं लिखना बल्कि पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से आप क्योंकि दरख्वास्त लिख रहे हैं ज़्यादा लोगों की जानिब से है तो आपने अहले मोहल्ला लिखना है, अपने मोहल्ले का नाम लिखना है। अहले मोहल्ला, मिसाल के तौर पर अहले मोहल्ला मुरीद के यूनियन काउंसिल 154 लाहौर। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है खाके की मदद से कहानी मुकम्मल करके लिखें। खाका आपको दिया गया है और आपने कहानी मुकम्मल करके लिखनी है और उनवान भी तजवीज़ करना है। तो खाके में आपको छोटी छोटी सी बातें बताई गई हैं, उनको आपने मुकम्मल फिकरात में तब्दील करके कहानी लिखनी है। तो आइए देखते हैं कहानी किस तरह से हम लिखेंगे। जंगल में नदी किनारे एक लकड़ी का पुल बना हुआ था जो लोगों के गुजरने के लिए बनाया गया था।
इसी पुल पर दो बकरियां मुखालिफ सिमत में आती हुई आपस में टकरा गईं। दोनों का इकट्ठे गुजरने का रास्ता ना था क्योंकि पुल तंग था। दोनों ने इकट्ठा गुजरने की कोशिश की तो नदी में जा गिरी। इसके बाद दो और बकरियां आईं। उन्होंने देखा कि वो दोनों एक ही वक्त में गुजर नहीं सकती, लिहाजा उनमें से एक लेटी तो दूसरी ने उस पर से गुजर कर पुल पार किया। फिर लेटी हुई बकरी उठी और उसने भी पुल पार कर लिया। तो इस कहानी का बेहतरीन उन्वान क्या होगा? हिकमत अमली बेहतरीन चीज़ है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मियाँ हैं कि ग्रुप में बैठकर आप इन्हें पढ़ें और बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। मसलन रास्ते में जाते हुए अगर आपको ये फिकरात लिखे हुए मिले तो आपको इनको पढ़कर क्या करना चाहिए। फासला रखें, जहां ये मोस्टली ज़्यादातर ये किसी भी सवारी के पीछे लिखा हुआ होता है, मतलब ऑयल टैंकर जैसे होते हैं ना, उनके पीछे ये लिखा हुआ होता है फासला रखें। तो आपने अपने और ऑयल टैंकर के दरमियान में फासला रखना है। खामोशी इख्तियार करें, मिसाल के तौर पर ये हस्पतालों में या फिर किसी ऐसी मस्जिद में लिखा हुआ होता है खामोशी इख्तियार करें, जहाँ शोर करना मना है या दफातर में, तो वहाँ पर आपने खामोश रहना है, शोर नहीं करना। हॉर्न ना बजाएं। जब हम किसी हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे हों तो वहाँ पर हॉर्न बजाना मना होता है, और जहाँ ये लिखा हो तो वहाँ कोई भी इमरजेंसी हो जाए हमें अपनी गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। रद्दी यहाँ डालें। कूड़ा करकट हर जगह पर नहीं फैलाना चाहिए। जहाँ कहीं डस्टबिन लगे हुए हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है रद्दी वहाँ डालें, तो आपने रद्दी वहाँ पर ही डालनी है, सड़क पर कहीं इसी तरह से ही नहीं फेंक देनी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी इस मशक को बहुत अच्छी तरह से दोहराना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।